हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यदि अपने चैनल टेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, करना क्या आपको जाना है यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे आपको, और क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा सब्सक्राइब्ड लिख के, और बगल में आएगा ये बेल आइकन जिसको आपको करना है प्रेस। उसके बाद मेरे वीडियो के जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे सबके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ये है कि कैसे आप यूट्यूब के टाइटल के ऊपर हैशटैग लिखा जाता है, कैसे। ये जो अभी नया ट्रेंडिंग है, अभी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है यूट्यूबर्स के द्वारा, कि आप देखेंगे कि ये टाइटल के ऊपर हैशटैग लिखा हुआ आ रहा है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। पहले जब वीडियो आपके ट्रेंडिंग में होते थे तब लिखा आता था ट्रेंडिंग नंबर 4, 3, 5, जैसा आपका ट्रेंडिंग होता था। और नॉर्मल हैशटैग की जहाँ तक बात करें, टैगिंग की बात करें, तो पहले से यूट्यूब में ऐसा है, लेकिन इस तरह से ऊपर लिख के नहीं आता था। आपने भी वीडियो अपलोड किया होंगे तो ऑप्शन आपके पास आता होगा टाइटल का, फिर आता था डिस्क्रिप्शन का, फिर आता था टैग का। यदि मोबाइल से आप वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं आपको बता दूं कैसे आता था। जैसे आप मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है टाइटल, जैसे आप देख सकते हैं टाइटल आया है, इस पर डिस्क्रिप्शन आता था, और फिर ये प्राइवेसी की बात करते तो प्राइवेसी आता था, टैग आता था, फिर नीचे लोकेशन आता था। और टैग में आप मोबाइल से आप करेंगे तो 200 टैग आपको मिलते थे करने के लिए, और टैग में क्या लिखना था, नाम जो आप टैगिंग के लिए वर्ड लिख रहे हैं, फिर कॉमा देना होता था, फिर स्पेस देके आप इस तरह से लिख सकते थे। यदि कंप्यूटर पर आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या होता था, टैग में जाना होता था, वर्ड्स लिखने होते थे, फिर इंटर क्लिक करना होता था, इंटर प्रेस करना होता था। लेकिन अब ये जो नया है कि टाइटल के ऊपर ये हैशटैग कैसे लिखना है, तो करना कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो अपलोड करें, अपलोड करने के बाद जैसे आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो सबसे नीचे आना हो आपको, जितने आपको मैटर है इसमें गैप दे दीजिएगा, कम से कम 2 लाइन्स का, 2 पैराग्राफ्स का। फिर आपको हैशटैग यूज करना है, फिर आपके अपने वीडियो से रिलेटेड ही टैग लगाना है। जैसे मेरा वीडियो ये है एक फॉल का जो यूपी मिर्ज़ापुर में है, तो ये हैशटैग यू टूरिस्ट प्लेस, फिर नीचे करके फिर मैंने पैराग्राफ चेंज किया, नीचे आया फिर हैशटैग फॉल इन यूपी, फॉल इन यूपी, फिर नीचे आया फिर मैं हैशटैग सिद्धनाथ की दरी। ऐसे आप 15 हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शो होंगे 3 ही, और जैसे 15 3 से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो रेंडमली ये चूज कर लेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कैसे लिखा जाता है, तो ये बहुत ही आसान है, और वीडियो आपने देख लिया है तो आप समझ जाएंगे। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नए टेक्निक का या ट्रिक का यूज़ सीख पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था मैं आपको, जैसे इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि जब भी आप सर्च करते हैं हैशटैग से, तो आपका वीडियो ट्रेंडिंग में तुरंत आ जाता, मतलब वीडियो आपको तुरंत सर्च में आ जाएगा। जैसे आप टूरिस्ट प्लेस में सर्च किया हैशटैग यूज करके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो ये आ चुका है, ये वाला वीडियो है मेरा यहाँ पर आ चुका है सर्च में, और देखिए सर्च में आ चुका है। इसके अलावा अगर आप, इसके अलावा मैं फॉल इन यूपी यूज़ किया था, फॉल इन यूपी, देखिए फॉल इन यूपी हैशटैग पर कोई वीडियो है नहीं यूट्यूब पर, इसलिए मेरा ही सिंगल आ रहा था, तो वीडियो सर्च करने में भी आसानी होती है। सिद्धनाथ की धरी हैशटैग, ये हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो 4 नंबर का वीडियो है ये मेरा है और टेक इंडिया का है। आप देखिए 4 नंबर का वीडियो मेरा है, टेक इंडिया का, तो बहुत आसान है, वीडियो सर्च करने में बहुत आसानी होती है। और इसके बाद हैशटैग से यदि ये हैशटैग ट्रेंड करता है फ्यूचर में, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपकी वीडियो बार बार सर्च में आएंगे। तो इसका बेनिफिट है, आप इसको यूज़ करिए, और जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो डिस्क्रिप्शन सबसे नीचे जाके हैशटैग यूज़ करिए। और मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हैशटैग यूज़ करिए, वीडियो से रिलेटेड करिए, ताकि यूट्यूब की तरफ से कोई किसी तरह का हैशटैग आपके चैनल पर ना आए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब देखते रहिए टेक इंडिया। बाय बाय।